नमस्कार, चासिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। स्ट्रेट टॉक में हम और आप मिलकर करते हैं सीधी बात यानी स्ट्रेट टॉक, और फोन लाइंस के जरिए आप सभी दर्शक भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। स्ट्रेट टॉक में आज जिस मसले के बारे में हम बात करने वाले हैं, दरअसल आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा जो एक नेता जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती थी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा था, चुनाव जीती थी, संसद में पहुंची, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के बयान जो है वो अक्सर सुर्खियों में लोकसभा चुनाव के दौरान रहे, जमकर उनके ऊपर बवाल मचा। और न सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के बाद भी उनके बयान जो हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो निशाने पर आ जाती हैं, बीजेपी उनसे सवाल जवाब करती है, बीजेपी उनके बयानों पर भी सफाई देती है। लेकिन अब आपको बता दें कि उन्हीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, उन्हें डिफेंस जो है समिति में डाल दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। 21 सदस्य इस कमेटी में हैं और जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी एक है। इसीलिए आज हम इस मसले पर स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, रक्षा मंत्रालय की समिति में उन्हें डाला गया है, तो आखिर साध्वी पर मेहरबान है सरकार? तो साध्वी पर सरकार मेहरबान, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे, स्ट्रेट टॉक करेंगे। और आपको बता दें कि अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में तो बनी ही रहती हैं भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेकिन साथ ही साथ यहाँ तक कि आप देखिए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर जो है इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि यहाँ तक कि चुनाव के दौरान उन्होंने जिस तरह के बयान दिए थे, उनके इन बयानों को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन चुनावों के दौरान कहा था कि साध्वी को वो कभी भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने अपने दिल की बात, अपने मन की बात कही थी कि वो जिस जो बयान वो दे रही हैं, जो बयान उन्होंने दिया है वो कभी भी उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की ओर से इन चुनावों के दौरान कहा गया था कि साध्वी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, उनका उन्होंने जो बयान दिए हैं उनकी जांच होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कमेटी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है जिसके तहत पार्टी काम करती है, कि पार्टी ने कमेटी बना दी है जो उनके ऊपर जाँच कर रही है, लेकिन क्या उसका भी नतीजा कुछ सामने आया? सवाल ये भी, बहुत सारे अहम सवाल हैं जिन पर आज हम स्ट्रेट टॉक करेंगे। क्या वो सवाल हैं, एक बार उनके सवालों पर नजर डाल लेते हैं। तो सवाल ये कि क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पीएम मोदी ने दिल से माफ कर दिया है, क्योंकि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो साध्वी को कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। क्या साध्वी प्रज्ञा के बयानों को पीएम मोदी ने भुला दिया है? क्या वो भूल गए हैं? क्या कुछ बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिए थे? बीजेपी की अनुशासनात्मक समिति पर का साध्वी पर क्या आया फैसला, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। साध्वी पर क्यों मेहरबान हो रही है सरकार? सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह के बयान देने वाली साध्वी के ऊपर सरकार क्यों मेहरबान है? साध्वी को रक्षा समिति में डालने का फैसला आखिर कितना सही है? आप दर्शक किस तरह से देखते हैं साध्वी को रक्षा समिति में डालने के फैसले को? आप दर्शकों के व्यूज़, आपके ओपिनियन इस मसले पर क्या हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने जो है व्यूज़ ओपिनियन इस मंच के पर जो है ज़रूर शेयर कीजिए। फ़ोन आप कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रीट टॉक का ये मंच आपके लिए है, फ़ोन लाइन्स आपके लिए खुली हुई हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बनें और बताएँ कि आप आखिर किस तरह से देखते हैं जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अब रक्षा समिति में जो है डाला गया है। ऐसे में आप दर्शकों के व्यूज ओपिनियन जो है आप जरूर शेयर कीजिए, कॉल कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही साथ आप बताइए कि क्या
सरकार जो है वो मेहरबान नजर आ रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर, क्योंकि चुनाव से पहले बात थी, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि साध्वी को कभी जो है दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जब चुनाव भी खत्म हो गए हैं अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को डिफेंस कमेटी में डाल दिया है। ऐसे में कितना सही ये फैसला है, और साथ ही साथ आप देखिए कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बयान देती थी उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उस कार्रवाई का नतीजा क्या निकला ये तक जो है साफ नहीं किया गया है। ये जो कार्रवाई का नतीजा क्या आया ये तक नहीं बताया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब चुनाव के दौरान उनसे अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो बयान दे रही हैं, क्योंकि कार्रवाई की बात कही जा रही है तो क्या कार्रवाई होगी, अगर वो भोपाल से चुनाव जीत जाती हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी या फिर पार्टी उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा देगी। लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद में जो है साध्वी का स्वागत ही किया गया, और अब तो स्वागत जो है पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है क्योंकि उन्हें डिफेंस कमेटी में जो है शामिल कर लिया गया है। जो 21 मेंबर्स की डिफेंस कमेटी बनती है संसदीय कमेटी, उसमें शामिल किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि कई तरह के जो है विवादित बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर देती हुई नजर आती थी, लेकिन इस बार उन्हें अब जो है 21 सदस्यीय डिफेंस कमेटी में डाल दिया गया है। उन सबको भुलाते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम अब इस डिफेंस कमेटी में है। कमेटी में चेयरमैन राजनाथ सिंह के अलावा फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल है, इसमें ए राजा है, सुप्रिया सुले हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, राकेश सिंह, शरद पवार, जेपी नड्डा जैसे सदस्य जो है शामिल है, और साथ ही शामिल है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो डिफेंस कमेटी में डाला है इस फैसले को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साध्वी प्रज्ञा के कमेटी में शामिल किए जाने को कांग्रेस पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने पीएम मोदी की बात भी उन्हें याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है और कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को डिफेंस कमेटी में शामिल किया गया है। बीजेपी सरकार ने नेशनलिज्म को नया मॉडल दिया है। बम ब्लास्ट मामले में ट्रायल पर चल रही नेता को डिफेंस मामलों की कमेटी में शामिल किया गया, चिंता की कोई बात नहीं, भारत माता की जय। ये जयवीर शेरगिल ने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने लिखा कि कुछ महीनों पहले पीएम ने मन से माफ ना करने की बात कही थी, लेकिन अब संदेश साफ है कि नाथूराम गोडसे के भक्तों के अच्छे दिन आ गए हैं। आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे के भक्तों के अच्छे दिन आ गए हैं, ये जिस तरह से जो बात जो है कही गई है, दरअसल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चुनाव के दौरान नाथूराम गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया था और उनके इस बयान के ऊपर हंगामा भी हुआ था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। बयान नाथूराम गोडसे पर भी रहा, नाथूराम गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बता दिया था। बयान हेमंत करकरे के ऊपर भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया। हेमंत करकरे आपको बता दें 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो उस दौरान हेमंत करकरे शहीद हो गए थे, और अस हेमंत करकरे के ऊपर भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया। यहाँ तक कि चुनाव के बाद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने इन बयानों को लेकर जो है अक्सर ऐसे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हुई नजर आती हैं। उन्होंने बयान दिया विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी कि कोई जो है मारक शक्ति का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर विपक्ष की ओर से कराया जा रहा है, और ऐसे कई तरह के बयान जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिए। इन बयानों के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को डिफेंस कमेटी में शामिल किए जाने के फैसले के बारे में भी बात करेंगे, उनके बयानों को भी सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर, जिन्हें डिफेंस
कमेटी का मेंबर जो है बनाया गया है, रक्षा समिति में शामिल किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और साथ ही साथ इसमें 21 मेंबर हैं, 21 में से एक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो नेता भारतीय जनता पार्टी की जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, हर बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके बयानों पर सफाई दी जाती है और उन्हें चेतावनी भी दी जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई बार वो बीजेपी की किरकिरी अपने बयानों को लेकर करवाती हुई नजर आती हैं और ऐसे में विपक्ष को भी खुद ब खुद मुद्दा दे जाती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नथुराम गोडसे को देशभक्त बताया था तो विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। बढ़ते विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि वो कभी भी साध्वी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर पाएंगी। इसी के बाद बीजेपी की ओर से साध्वी प्रज्ञा को विवादित बयान का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था और अनुशासनात्मक कमेटी को मामला सौंपा गया था, यानी डिसिप्लिनरी कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी की है उसको भी ये मामला सौंपा गया था। लेकिन इस मामले का नतीजा क्या निकला, जो अनुशासनात्मक कमेटी के पास में ये मामला गया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, इसका नतीजा क्या निकला ये भी अब तक किसी को नहीं पता है। ऐसे में सवाल आज भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर पूछे जा रहे हैं और ऐसे में उन्हें डिफेंस कमेटी का मेंबर बना दिया गया है, डिफेंस कमेटी में शामिल कर दिया गया है और विपक्ष को एक बार फिर से मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। ऐसे में आप दर्शकों के व्यूज, आपके ओपिनियन क्या है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को डिफेंस कमेटी में शामिल किए जाने का फैसला सही है या फिर नहीं, आप दर्शकों के व्यूज ओपिनियन क्या है आप जरूर बताइए, क्योंकि विपक्ष है जो इसके ऊपर हंगामा कर रहा है। ट्विटर के जरिए भी सरकार को घेरा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। ऐसे में आप दर्शकों के व्यूज ओपिनियन जो है हम जानना चाहते हैं, हमारे जितने व्यूअर्स हैं जस्ट हिंदी के वो भी बताएं कि आप सही मानते हैं एक ऐसी नेता को डिफेंस कमेटी का मेंबर बनाना जो कि खुद 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, जमानत पर बाहर हैं, तरह तरह के बयानों को लेकर अक्सर अपनी ही पार्टी की किरकिरी करवाती हुई नजर आते हैं, ऐसे में क्या उनको डिफेंस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए था सरकार को? आखिर क्यों सरकार इतनी मेहरबान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर नजर आ रही है? क्या पीएम मोदी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से माफ कर दिया है, मन से माफ कर दिया है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने साध्वी को मन से ना माफ करने की बात कही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने जो भी बयान दिए थे क्या अब उन्हें माफ कर दिया गया है? जरूर अपने व्यूज अपने ओपिनियन शेयर कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है कौन है इनके बारे में अगर आपको बताएं, 2008 मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी तो है ही, जमानत पर बाहर है, अभी भी ये मामला अदालत में चल रहा है। भोपाल में हुए मुकाबले में प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मात दी थी, जीती थी चुनाव और उसके बाद संसद पहुंची थी, लोकसभा में वो पहुंची थी। इसके अलावा आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है अक्सर अपने बयान तो उनके रहते ही हैं, जो भी वो बयान देती रही हैं, लेकिन अभी जो उन्हें समिति का सदस्य बनाया गया है उसके बाद विवाद जो है वो ज़्यादा बड़ा उनको लेकर बनता हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है उन्हें किसी भी तरीके से जो है घेरने में। कांग्रेस ने उनके जो चुनाव हुआ है इस समिति के अंदर उसे लेकर, इस समिति में शामिल किए जाने को लेकर ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आतंक की अभियुक्त और गोडसे की कट्टर समर्थक प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने रक्षा मामलों पर संसदीय समिति के सदस्य के तौर पर नामित किया है। ये कदम हमारे देश के सुरक्षा बलों, माननीय सांसदों और हर भारतीय का अपमान है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये अपमान है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस समिति में जो डाला गया है। कांग्रेस ने ये भी लिखा कि आखिरकार मोदी जी ने प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ कर ही दिया, आतंकवादी हमले के अभियुक्त को रक्षा मंत्रालय की समिति में जगह देना उन वीर जवानों का अपमान है जो आतंकवादियों से देश को महफूज रखते हैं, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने इस साल लोकसभा चुनाव में भोपाल से जीत दर्ज की थी।
उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। वो अपने बयानों को लेकर विवादों में भी रही थी। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में वो अभियुक्त भी हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 पर बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए और 101 के करीब लोग जो है घायल हुए थे। इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक ये मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। इस मामले में NIA कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें दोष मुक्त नहीं माना था और दिसंबर 2017 में DA अपने आदेश में कहा था कि प्रज्ञा पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा चलता रहेगा। प्रज्ञा ठाकुर पर समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले के अभियुक्त सुनील जोशी की हत्या का आरोप भी लगा था। जोशी की 29 दिसंबर 2007 को हत्या कर दी गई थी। अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में भी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया था, लेकिन अप्रैल 2017 में NIA ने प्रज्ञा ठाकुर, RSS नेता इंद्रेश कुमार और दो अन्य के खिलाफ राजस्थान की स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, यानी कि ये मामला बंद हो गया था, लेकिन ये मामले जरूर लगे हैं। लेकिन हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई भी आरोप जो है वो साबित हुआ है, लेकिन ये आरोप उनके ऊपर लगे जरूर हैं और कुछ मामले ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जो बंद नहीं हुए हैं। ये जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जुड़ा हुआ जो है पूरा विवाद जो है वो रहा है, जो पहले से उनके साथ जुड़ा रहा है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम शामिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसीलिए भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा समिति में शामिल किए जाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रही है और कह रही है कि ये हमारे जवानों का अपमान है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को डिफेंस कमेटी का मेंबर बनाया गया है, क्योंकि वो खुद जो है कई मामलों में आरोपी हैं। उनके खुद के ऊपर कई मामले जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, उन्हें कई मामलों में क्लीन चिट नहीं मिली है। ऐसे में आप दर्शकों से मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे जितने जस्ट हिंदी के व्यूअर्स हैं वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। आप दर्शकों के व्यूज, आपके ओपिनियन क्या है इस मामले के ऊपर? क्या आपको लगता है कि ठीक है, सरकार का अपना फैसला है, अगर सरकार को किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना है, सरकार को सही लगता है कि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और इस जिम्मेदारी को कोई संभाल सकता है, तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का कॉल है और वो अगर वो उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति जो है सही है और क्योंकि वो सांसद भी है और सांसदों को इसमें शामिल करना है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार को इस तरह की जो कमेटी होती है, जो कि बहुत महत्व रखती है देश की सुरक्षा के लिहाज से, देश के विकास के लिहाज से, क्या ऐसी समितियों में जो लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, क्या वो साफ सुथरी छवि के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, क्या साध्वी जैसे लोगों को इसमें शामिल करने से पहले सरकार को विचार करना चाहिए? आपकी व्यूज जरूर शेयर कीजिए, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सरकार की ओर से जो रक्षा समिति में शामिल किया गया है, इस फैसले को आप दर्शक कैसे देखते हैं, इसी के ऊपर आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर हैं मुकेश भास्कर जी। बहुत स्वागत है मुकेश भास्कर जी आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू जी। मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, वो मैं जो आप ये साध्वी प्रज्ञा पर आप ये जो आज ये टाक कर रही हैं, ये ठीक है। अब इस भाई वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यही हम कर रहे हैं, ये जो दूसरे लीडर हैं वो भी कह रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, मोदी जी की जो उसमें इस कमेटी में 20-21 मेंबर हैं, हाँ जी, सिर्फ साध्वी ही नहीं है, और इसमें आप देखो सारे वो महारथी हैं, सारे ही और सारे ही किसी ना किसी तरीके से उन्होंने हजारों में गबन किए हुए हैं, चाहे आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो नेशनल हेरिटेज केस में ले लो,
या वो डी राजा हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था जब वो मनमोहन सिंह की कैबिनेट में थे, और ये जो शरद पवार हैं, मतलब एक से एक बढ़ के उन्होंने, पता नहीं मोदी जी ने कैसे चुना है इनको, ये तो देखिए वो तो पॉलिटिशियन है, वो क्या सोच के और क्या अपने ऐसी तरह की कैबिनेट बनाते हैं, और उसमें वो साधी प्रज्ञा भी है जी। अब वो भी बेल पे है और वो भी बेल पे है, तो मतलब तो अब वो क्या क्राइटेरिया है। और फिर मजेदारी की बात कुछ और भी है कि हम तो देखिए एक राहन लोग हैं, हम तो जो हमें थोड़ा सा दिखाई पड़ता है हम तो उसी पर बोल सकते हैं, और वो ये है कि कोई एक्सपर्ट भाई आपकी ये रक्षा समिति है तो ये अब वो क्या करती है, उसके लिए क्या देखना है, वो तो ये मोदी जी जानते हैं, पर वो कुछ ऐसे लोगों को रखी जिनमें जिनको भी रक्षा में कुछ एक्सपीरियंस हो, जो आपको सलाह दे सकें, कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें, और ये सारे ही लोग इधर उधर देखने वाले, वो कोई इनको आसपास भी वो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उनको ये कमेटी बना दी गई है। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, हम तो यही कहते हैं वो ही जानते होंगे, और जहां तक भी उसने उन्होंने साधी प्रज्ञा को माफ किया है या नहीं किया, उन्होंने कोई डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं दिया, अब उनकी बात हम कह दें कि हाँ जी कर दिया, तो थोड़ा बहुत लगता भी है कि क्योंकि एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो एक डिफेंस कर भी दिया। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है डिफेंस कमेटी का मेंबर बनाए, कोई छोटी बात नहीं है कि उन्हें किसी कमेटी में डाला है तो जी। नहीं वो भी है देखिए वो तो है ही जी। अब सवाल ये है कि ये तो पॉलिटिक्स, अगर वो किसी और के उसमें डाल देते कमेटी में मान लिया, हाँ तो तब भी उन्होंने कहते इसमें क्यों डाला। अब ये कोई एंडिंग वाला नहीं है, वो अपने नहीं कहते कि हमारे राजा को भी तो भाई आपने रखे, उसको भी तो बताओ वो उसको क्यों लिया, या ये सोनिया है गई, या ये हमारे शरद पवार जी हैं, इतने हजारों में करके वो खा पी के बैठे हुए हैं, और फिर लीडर के लीडर बड़े नेता कहला रहे हैं, ये वो होल्ड कर रहे हैं सब कुछ, कंट्रोल कर रहे हैं ये सब कुछ, तो अगर और उसपे तो लगा भी नहीं, कांग्रेस के टाइम का है, अब वो कितना सच है, अब उसकी मोटरसाइकिल कैसे उसके पास आ गई, या तो भाई बताओ भाई उसने दी थी मोटरसाइकिल, भाई उसने कहा कि हाँ जाओ ले जाओ मेरी, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई, इतना ही बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक चीज और, फिर जी एक चीज और भी है जो हम बार बार देखते हैं जी, कि जी वो नथुराम गोडसे को उसने देशभक्त कहा, वो तो टेररिस्ट था। देखिए हमें थोड़ी बात को समझना होगा, एक टेररिस्ट में और एक इस तरह के किलर में जिसने शूट किया, बिग डिफरेंस है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बड़ी कंट्री है। टेररिस्ट क्या है कि आप ये 12 घंटे में ये बंद कर दीजिए नहीं तो मार देंगे, right. आप टेरर कर रहे हैं right. वो आप सारे लोगों को सिटीजन्स को वो हाई वो कर रहे हैं, वो टेररिस्ट कर रहे हैं, ये तो उसको एक गांधी जी की पॉलिसी नहीं पसंद आई कि वो 1 करोड़ या पता नहीं कितना रुपया पाकिस्तान को दे रहे थे, और तब 1 करोड़ बहुत ज्यादा था उस टाइम के मुताबिक, और उसको नहीं पसंद आया तो उसने उनको गोली मार दी, चलो right. वो ला, वो तो ला के मुताबिक उनको उसको कैद किया गया और उसको फांसी हो गई, वो दैट वाज ठीक है, वो होना चाहिए था, हम ये तो नहीं कह रहे कि उसने ठीक किया, और वो हो भी गया। लेकिन टेररिस्ट भी तुम्हें जो टेरर कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे किसी को उन्होंने टेरर किया कमरे में बंद करके कोई रैंसम मांगा, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसी वो बात ही नहीं हुई, लेकिन उसको बार बार कि वो तो टेररिस्ट था, वो कुछ सुनने करने में गलत लगता है, ये मेरा विचार है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, दो पहलू हैं, आपने कहा कि दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए, कि उनके ऊपर अगर एलिगेशंस लगे तो वो अभी तक प्रूफ भी नहीं हुए, साबित भी नहीं हुए, अगर साध्वी के ऊपर लगे, और दूसरी बात किसी और कमेटी में भी डालते तो सवाल तो तब भी उठने ही थे भाई जिसपे देखिए अब नुकता चीनी करनी है, अभी हमारे पंजाबी में कहावत है कि आटा गूंदी हल्दी क्यों है, मतलब एक काम है जो भाई जिन्होंने कमेंट करना ही करना है वो करेंगे, जो हम उनका जो अगर आप इनकी हिस्ट्री भी देखो, इनकी वर्किंग देखो, तो वो यही है जो वर्किंग, तो ये रक्षा से कह रहे हैं या दूसरे से कह रहे हैं, उसमें।
तो बिल्कुल सही मुकेश जी ने कहा कि दो पहलू में दोनों तरह से इसको देखना चाहिए, लेकिन बाकी दर्शक हमारे क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इन दोनों दोनों तरह से इस पूरे मामले को देखना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो सही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया वो सही है? आप दर्शकों के व्यूज और ओपिनियन क्या है आप जरूर शेयर कीजिए, कॉल कीजिए ज्यादा से ज्यादा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है, मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा जरूर बनिए। मुकेश जी ने एक और बात जो है वो सही कही कि जो कांग्रेस के अपने नेता जिनके ऊपर एलिगेशंस तरह तरह के लगे हुए हैं, उन्हें जब शामिल कर लिया जाता है तो सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल किया जाता है तो जाहिर तौर पर एक मुद्दा जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या आप दर्शक भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या आप दर्शक भी सहमत हैं इस बात से कि दोनों तरह से इस पूरे मसले को देखना चाहिए? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं, उन्हें रक्षा समिति में डिफेंस कमेटी में शामिल किया गया है और इसीलिए ये एक चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। हर और इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या सरकार मेहरबानी दिखा रही है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्ञा ठाकुर को माफ कर दिया है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मन से कभी साध्वी को वो माफ नहीं करेंगे, जिस तरह के बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर देती हुई नजर आती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मन से माफ कर दिया है? ये भी सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी की ओर से अनुशासनात्मक समिति को ये पूरा मामला सौंपा गया था जो बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बार बार दे रही थी, तो आखिर उस अनुशासनात्मक समिति को जो मामला गया था उसका नतीजा क्या रहा? क्या साध्वी के ऊपर किसी नतीजे पर पहुंची ये कार्रवाई, या फिर सिर्फ महज एक ढोंग था, एक दिखावा था, सिर्फ एक बात को दबाने की कोशिश थी इसके जरिए? आप दर्शकों के व्यूज ओपिनियन आमंत्रित हैं, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका जस्ट हिंदी पर। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं लगातार, और स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो डिफेंस कमेटी का मेंबर बनाया गया है उसके बारे में। विपक्ष हालांकि से एक मुद्दे की तरह बना रहे, एक विवादित जो है शख्सियत रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्हें रक्षा कमेटी में डाला है, और कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले को जमकर उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार मन से माफ कर दिया है? उनके विवादित बयानों को लेकर जिस तरह की वो बयान देती हुई नजर आती हैं, आखिर उन्हें रक्षा समिति का मेंबर क्यों बनाया गया है? ये सवाल कांग्रेस की ओर से लगातार पूछा जा रहा है। आप दर्शक भी अपने व्यूज अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जिन विवादित बयानों के बारे में हम बात करें, उनके कुछ बयान जो हैं वो आपको सुनवा देते हैं, किस तरह के बयान वो देती हुई नजर आती थी। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हेमंत करकरे के ऊपर बयान दिया था। हेमंत करकरे जो 2008 में मुंबई ब्लास्ट के दौरान जो है शहीद हो गए थे, उनके ऊपर एक बयान दिया था, विवादित बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा था हेमंत करकरे को लेकर, सुनिए आप। हेमंत करकरे को उन्होंने मुंबई बुलाया, मैं मुंबई जेल में थी उस समय। हेमंत करकरे को वो जांच आयोग, जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे, उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, ठीक सवा महीने में सूतक लगता है, जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है, तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि उनके श्राप की वजह से हेमंत करकरे की जो हेमंत करकरे जो शहीद हुए थे उनको, उनकी वजह से जो है वो बता रही है कि मेरी वजह से उनकी मौत हुई, सूतक उनके घर में लग गया था। ये कुछ ऐसे बयान जो है साध्वी अक्सर देती हुई नजर आती हैं। नथुराम गोडसे के ऊपर उन्होंने क्या कहा था, जिसके बाद विवाद हुआ था, जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया था, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इसी बयान के बाद कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा को
कभी भी मन से माफ नहीं करूंगा। इसके बाद बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ अनुशासनात्मक समिति को जो है कार्रवाई करने के लिए भी जो है कहा था। क्या बयान था उनका नाथूराम गोडसे को लेकर, सुनिए आप। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। तो नाथूराम गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बताया था, और उनका यही बयान जो है वो बीजेपी को इसके ऊपर जो है कम से कम जवाब देते नहीं बना था। इसके बाद बीजेपी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर, भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भी उन्होंने जो है लिखा था, कहा था, प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया था कि वो कभी भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मन से माफ उनके इस बयान के लिए नहीं करेंगे। तो ये बयान सबसे ज्यादा जो है सुर्खियों में रहा था, और इसके ऊपर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस तक भी दिया गया था। इसी बयान की वजह से पीएम मोदी ने कहा था वो कभी मन से माफ नहीं करेंगे, और इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मन से माफ कर दिया है। इसके अलावा देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव के दौरान का उनके बयान रहे, चुनाव प्रचार के दौरान जो तरह तरह के बयान वो देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जो बयान हैं उनका सिलसिला नहीं रुका। इस साल सांसद बनने के बाद उन्होंने सीहोर में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि ध्यान से सुन लो, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने हैं, आपका शौचालय साफ कराने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए हैं, हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं। यानी कि उनके पास जो है दरअसल उनके एरिया के लोग ही, भोपाल के लोग ही कुछ समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, और इस दौरान उनसे जो है उनको धमकाते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये बात कही थी। आखिर वो अपने सांसद के पास, अपने प्रतिनिधि के पास नहीं जाएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे, ये भी सवाल पूछे गए थे। लेकिन एक और बयान जो है, जब सुषमा स्वराज का निधन हुआ, अरुण जेटली का निधन हुआ, ऐसे जो है एक दो तीन नेताओं का निधन हो गया था, बड़े बड़े नेताओं का, तो उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया था और कहा था कि जो ओपोजिशन वाले हैं वो मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौत हो रही है। क्या कहा था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, सुनिए। मैं जब चुनाव लड़ी उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है, आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और ये होने वाला है। उन महाराज जी की बात को मैंने उतनी भीड़ में चलते चलते जो सुना और भूल गए, परंतु आज जब मैं ये देखती हूं कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं। तो विपक्ष जो है वो मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, ये भी एक बयान दिया था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कि विपक्ष उनके खिलाफ मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे न जाने कितने सारे और बयान हैं जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर देती हुई नजर आती हैं, अक्सर देती रही हैं। विवादों और का साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से गहरा रिश्ता सा बन गया है, जो वो बयान देती हैं वो हमेशा जो है अक्सर विवाद का ही रूप जो है वो ले लेते हैं। तो विवाद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है
वो साथ साथ अभी चलते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अभी जो ताजा विवाद है, अभी जिसको लेकर ताजा सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, वो सवाल ये है कि क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मन से माफ कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने? उन्हें जो रक्षा समिति में का मेंबर बनाया गया है, डिफेंस कमेटी का जो मेंबर बनाया गया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, उसे लेकर जो है कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा बना रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो खुद कई मामलों में आरोपी हैं, भले ही वो प्रूव नहीं हुए हैं, भले ही अभी मामले चल रहे हैं कितने ही, लेकिन जब वो खुद ऐसे मामलों में आरोपी हैं तो फिर उन्हें रक्षा समिति का मेंबर बनाया गया क्यों? ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। लेकिन साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू हैं और जो कांग्रेस पार्टी खुद अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर तरह तरह के सवाल पूछ रही है, लेकिन जब उसके अपने नेता जो हैं, जो खुद जमानत पर बाहर हैं, जिनके ऊपर ना जाने कितने ही मामले चल रहे हैं, कितने ही मामले दर्ज हैं, जब उन नेताओं को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तब कोई सवाल क्यों नहीं उठते हैं? तब क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को इस जो है इस तरह की जिम्मेदारी देने से मना नहीं करती है? तो दोनों तरह से जो है हमें इस मामले को देखना चाहिए। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही।